हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? चलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट में हैक की दुनिया, यानी कि मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड। तो ये एपिसोड थर्ड है, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बोला था कि नहीं बोला था, बट ठीक होगा, मैं अपनी नहीं बोला तो भी चलेगा। सो आज हम लोग ना हमारा खुद का एक पूरा आयरन आर्मर बनाने वाले हैं। आप खुद देखो भाई, एक क्या बन के घूम रही हूँ, एक सेकंड मेरी स्किन कहाँ गई बोले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ओ माई गॉड गाइस, कोई बात नहीं गाइस, मैं अपनी पहले स्किन लेके आती हूँ। ठीक, ओके गाइस, तो मेरी स्किन आ चुकी है। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, स्टीव की स्किन लेके घूम रही थी। और ये हमने कल जो प्लेजर आपको आउटपोस्ट के पास में से सारी चीज़ चुराई थी, और आपको पता है हमने वहाँ से एक और चीज़ चुराई थी, और बारिश मेरे वर्ल्ड में पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, सब देख सकते। यहाँ पे मैंने ये चुराया था, और ये मैंने अपने घर के आसपास सारी जगह लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया है, और बाकी नीचे वाले डोर पर भी, और एक वहाँ पर भी है। ठीक है, तो चलो अभी ना एक सेकेंड। तो गाइस चलो अभी ना देखो, हाँ एक सेकंड, मैं 2 मिनट के लिए काम से गई और बारिश भी रुक गई गाइस। मतलब मैं अपना गेम यहीं छोड़ के, कुछ काम था, मम्मी बुला रही थी, उसमें चले गई थी। तो आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये बैनर हमने लगा दिया, अपने घर पे लगाया भाई, पता चला लगा कि नेता का घर है। मैं जुलिस की नेता बनी पड़ी हूँ सस्ती। ठीक है, सो आप देख सकते हो अभी हम लोग को नीचे जाना है। ये देखो एक बैनर यहाँ पे है, दूर से भी दिखेगा मस्त एकदम। और ये हमने कल यहाँ पे एक सेकेंड, मैं अपने सामान तो रख दूँ भाई, ये एक सेकंड। चलो गाइस अपने घर पे चलते हैं और अपने सामान रखते हैं जल्दी से। ओके, तो मुझे आयरन रखना है, ये रखना है, ट्रैप वायर और ये एचपी बोतल बाद में यूज़ कर लेंगे इसका। और ये वीट तो चलो रखे देते हैं, और कैरेट वगैरह जो अपन को मिले थे। एक सेकंड, ओह नो नो है, 4 से 39 कैरेट कैसे बन गया? ओके ठीक है, वो उससे बना हुआ था। ओके तो अभी मैं अपनी वुड भी रख देती हूँ भाई, मस्त एकदम। उसके भी स्लैब को भी रख दो, ये स्टेयर्स भी रख देती हूँ। एक सेकेंड, इसको इसमें डाल देती हूँ ना भाई, ये अंडा भी लाता मुझे मुर्गी में, मुर्गी के पास से वो भी रख देती हूँ। और कुछ हेलो, और कुछ तो नहीं रखना, बाकी सारे सामान तो है मेरी। ठीक है, सो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं माइनिंग पे। ठीक है, सो मेरी सारी चीज़ें एकदम प्रिपेयर्ड हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं माइनिंग पर। ठीक है, सो आज मेरे कुछ भी करना है भाई, पिटू मैं कुछ भी हूँ, बोलिए मर जाऊँ मैं इस वर्ल्ड में। बट देखो मुझे अपना आयरन का आर्मर इस सीरीज़ में तो बनाना ही है। ठीक है भाई, कब तक हम ये से घूमेंगे भाई, मैं बस ये शील्ड बना लिया, मैंने आयरन का आर्मर नहीं बनाया है। सो आयरन का एक फुल आयरन बनाने के लिए जहाँ तक मुझे लगता है अपन को 26 आयरन चाहिए होते हैं। देखो अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे हंसना मत, बट मुझे ऐसा लगता है। फ्री का कॉल, बट कोई बात नहीं, यहीं पर ले लेंगे। एक दिन ना मेरी ब्रेड पर छोड़ दी, कोई बात नहीं, घर जाने की जरूरत नहीं है, गाय का तबेला है ना, यहीं से उठा लेंगे। चलो भाई यार, इतनी बड़ी चोट हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल रहा तो ले लेती हूँ, इससे मैं ब्रेड बना लूँगी अपने लिए। भाई वैसे तो इस विलेज में पड़े होंगे और भी सारे है बेल, बट ठीक है अभी इतने से काम चलाते हैं। वैसे कैरेट भी हैं यहाँ पे, तो भूख तो देखो लगने में आ रही है, बस इतने कैरेट्स ले लेती हूँ 16। चलो यहाँ की पूरी यही पड़ लेती हूँ। ठीक है, ओके 31, बहुत है भाई, बहुत है। सभी जो मेरे पास है बेल है ना, उनके भी मैं वीट बना लेती हूँ। तो अभी मैं इसका भी खाना बना लेती हूँ भाई, इतना ज़्यादा मेरे को खाने 15 ही ब्रेड बन रही है वैसे, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, 30 ब्रेड और ये हो गए अपने पास, इतनी बहुत है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना ये जो ले लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और जो मेरा पुराना वाला घर है ना, आपको पता ही होगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, सो इसके पास में मैंने माइनिंग देखी हुई है, तो वहाँ पर आएगी हमको आयरन मिल सकता है। ठीक है, तो इस साइड पर थी आएगी वो माइनिंग, मुझे हुई है एक सेकेंड। अरे भाई ओके ठीक है, ओके आते ही मुझे आयरन तो दिख चुका है, तो चलो जल्दी से। मोब तो वहाँ पे है भाई, मोब तो है। अरे भाई देख लिया इस पागल ज़ॉम्बी ने, भाई ये मोब से ना मुझे बच के रहना पड़ेगा, एक तो दिमाग ख़राब कर लेते हैं ये, ना धूप में आते ही जलने लग जाएंगे वैसे तो। दूर भाग, मेरा मतलब निकल जा से कि भाई, बस क्रीपर ना रहे, ड्राउंड भी घूम रहा है उधर। ठीक है, तो मैं अपना आयरन ले लेती हूँ यहाँ पर। समझ मुझे कुछ भी करना, आयरन का आर्मर था बनाना ही है। इस गेम में आयरन मैंने ऑलरेडी देखे हुआ था, मैंने कहा सीरीज में आपको बताऊँगी, वरना आप लोग चीटिंग समझ लोगे, वैसे तो आप बहुत अच्छे नहीं समझोगे। ठीक है, और ये स्केलेटन ना देख ले बस मेरे को, स्केलेटन अपना मुंडा उधर रखना, पानी में घूम रहे भाई ये, तो मुझे ऊपर जाना आराम से, जो अपना आयरन है वो ले लेंगे भाई। इसका आयरन ही बनना चाहिए, मैं नीचे गिर जाऊँगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे से आयरन ले लेती हूँ आराम से, एकदम उधर पे भी लगा के रखूँगा भाई।
ठीक है, इतना ही आयरन था बस, 5 आयरन। ओके नीचे भी है मेरे, मैं यहाँ पे जल्दी से कलेक्ट करती हूँ आयरन। चलो यहाँ पे से जल्दी से लेती हूँ, ऊपर वाला भी लेना है भाई, जितना आयरन मिले उतना लेना है। और मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, देखो यहाँ पे आयरन तो एक तो मिल ही रहा है ऊपर से, वैसे देखो ज़्यादा कुछ तो है नहीं हम लोग, अगर यहाँ पे आयरन कम हुआ ना, पूरा आयरन नहीं बन पाया तो हम दूसरी टाइम में चलेंगे। बट अभी जितना आयरन उतना तो ले ही लेते हैं ना हम लोग कम से कम। ठीक है, वहाँ पे भी ऊपर पे हैं, ऐसे तोड़ सकते क्या? सेकेंड, हाँ यहाँ से तोड़ सकते, अरे नहीं थोड़ा सा और ऊपर रहना पड़ेगा। आई होप रेंज, अरे यार रेंज नहीं है इतनी, मैं कुछ ब्लॉक तो है, चलो कोई बात नहीं ब्लॉक तो है। फिर यहाँ पे से ऊपर चढ़ते हैं एंड आई गेस इतनी, थोड़ा पास में चल चलते हैं, कोई बात नहीं भाई। ये स्केलेटन में कोई एरो ना मार दे, मैं यही से नीचे भाग जाऊँगी, मेरे को डर लग रहा है। ओके ठीक है, तभी हम लोग तोड़ लेते हैं भाई, जितना उतना तो लें। अरे भाई ये ग्राउंड वहीं पे तो है, कोई जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो पहले जाने देते हैं, कोई बात नहीं यहीं से उठा लेते हैं। ओके भागो भाई भागो भाई, ये मॉब्स के सामने ना ऐसा लगता है हॉरर गेम होगा, इतना कोई खास डरावने तो नहीं है ये, एकदम बुद्धू लगते हो। वहाँ पे भी आयरन है, ओके ले लेते हैं ले लेते हैं। मुझे लग रहा है अंदर पे भी कुछ आयरन लगे होंगे, बट अंदर देखो जा नहीं सकती मैं, कि 22 तो हो गया गाइस। भाई कौन मेरी क्या सी हो गई है, ओके बाकी तो है बस मेरे पास रखे हूँ। ओके 26 है भाई, डायरेक्ट 26 मिले मेरे को, अरे मैं मर जाऊँगी भाई, मैं मर जाऊँगी, हाथ बहुत कम है, हार्ड बहुत कम है, हाथ नहीं भाई, हाथ तो दो ही होते हैं। ऊपर से हंगर बार भी कम हो रहा है मेरा, जल्दी से भागती हूँ मैं, थोड़ा खाना खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे आते रहे, भाग जा भाग जा यहाँ से, बताओ मर गया भाई। ऊपर से दो और आ रहे हैं जनता का, इतने सारे फैन है मेरे, ये देखो भली मर जाएंगे, इनको पता है कि हम धूप में जाके मर जाएंगे, पर फिर भी मुझसे मिलने भाई इतने बड़े फैन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम लोग मर जाओगे इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ पे। सॉरी गाइस सॉरी, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई थी। ओके ठीक है ठीक है, हेलो बिल्ली रानी भाई, वो देखो भाई हेलो, मर गए दोनों भाई। अब मैं बोला था मेरे पास मत आओ मर जाओगे, बट इनको क्या, अरे 26 मिले बट आई गेस 26 मिले, बट हम लोग इनको पहले ले जाके ना स्मेल्ट करते हैं, फिर दूसरे केव ढूंढते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे से हम लोग थोड़े और आयरन लेके आएंगे, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे हम डायमंड ले सकते हैं। बट हाँ आपको पता है 1.20 में क्या आया है, 1.20 पुराना भी हो चुका है, मैं 1.20 बात कर रही हूँ, बट ठीक है 1.20 में इतनी प्यारी चेरी ग्रोव बायोम आई हुई है। ठीक है, और अपने महक की दुनिया में वो हमने अब तक नहीं देखी, या फिर देखी है, नहीं देखी, मैंने दूसरे वर्ल्ड में देखी होगी बट हमने नहीं देखी अब तक। ठीक है, सो शायद से हम नेक्स्ट एपिसोड में डायमंड ले सकते हैं, या फिर हम लोग चेरी ग्रोव बायोम ढूंढने जाए। आप कमेंट में बताओ इन दोनों में से हम लोग क्या करें। ठीक है, सो आप लोग बताओगे तो मैं वो करूँगी। ठीक है, अभी मैं बस कॉल है क्या, कॉल करूँगी है। ठीक है, सो आप लोग मुझे कमेंट से बता दोगे ना तो मैं ज़रूर करूँगी। एक्सप्लेन कौन सा आलम रखा था ओके इसमें। ठीक है, सो आप लोग मुझे कमेंट बताओ मैं डायमंड माइनिंग करने जाऊँ या फिर वो लेने जाऊँ, क्या बोलते हैं वो क्या फिर, हाँ वो चेरी ग्रोव घूमने जाए। ठीक है, सो अभी तो रात हो रही है, सो जाती हूँ। ठीक है, देखो ये स्केलेटन स्केलेटन सब घूम रहे हैं। ओके ठीक है, तो गाइस अपने देखो किस्मत तो बड़ी अच्छी, अपन को 26 तो मिल गया है। ठीक है, बट अभी हम लोग थोड़ा और ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि 26 में पूरा आयरन बन सकता है, बन भी सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा और माइनिंग करने चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। मेरे पिकेक्स की हालत ना बहुत डाउन हो रही है, तो मैं दूसरे पिकेक्स बना ही लेती हूँ, ऐसे मेरे पास वुड नहीं है, लेके आते हैं, पड़ा होगा मेरे पास वुड। ओके ये रहा, सारा वुड पड़ा हुआ है, ले लेते हैं। अभी एक नई पिकेक्स बना लेंगे। ठीक है, इसे मैं बना लेती हूँ स्टिक, अभी एक नई स्टोन की पिकैक्स बना लेती हूँ। ओके सो अभी हम लोग ये वुड भी लेकर चलेंगे साथ में। ठीक है, और कुछ तो चाहिए। ओके बाकी सब ठीक है। ओके चलो अभी चलते हैं हम लोग गाइस माइनिंग पे दूसरे, जब तक वो आयरन स्मेल्ट होंगे तब तक है ना। ओके अभी मैं खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है भाई, बहुत कंटिन्यू भूख लग जाती है यार। एक बार हमें थोड़ा विलेज से दूर जाके देखेंगे, अगर अच्छी सी मिल जाए तो। ओके और हेलो भाई, तुम अकेले के घूम रहे हो, तुम्हारे लामा कहाँ है? ठीक है भाई, मत बोल, मत बोल, बिज्जती तो मत कर।
पूरा गाइस हम लोगों ने ना मेरे ना एमरल और देखा हुआ है वहाँ पे, बट हम लोग ना जब वहाँ पर सिल्क टच की एन्चांटमेंट आएगी ना तब हम लोग उस और को तोड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं तोड़ने वाले। हम लोग उसे सिल्क टच की एडवांसमेंट से तोड़ेंगे ना तब वो और भी ज़्यादा अच्छा देगा। अच्छा देगा क्या मतलब, एमरल का और हम लोग को वैसे ही मिल जाएगा और वो हम सजा के रख सकते हैं अपने घर में, ठीक है इसलिए। और आपको तो पता है एमरल और रेयर तो होता ही है, कितना रेयर होता है वो, इसलिए। सो और अगर डीप स्लेट वाला मिल जाए तो और भी मस्त है भाई, बट डीप स्लेट वाला नहीं मिला है। और मुझे वहाँ पे केव तो ज़रूर मिल गई है, लेकिन चलो अब केव में चलते हैं उस वाली। आई होप उसमें थोड़ा अच्छा खासा अपन को मिल जाए। एंड मुझे कॉपर है भाई, वो आयरन मिल जाते भाई, आयरन सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। लोगों माता राम राम, यहाँ पर चढ़ते हैं ऊपर। और ये अच्छी खासी केव तो लग रही है और काफ़ी अंदर तक जा रही है भाई, एंड मैं पागल टॉर्च लेके नहीं आई हूँ। तो गाइस अभी अंदर जाती हूँ और टॉर्च टॉर्च लेके आती हूँ, ठीक है। ओके गाइस मैं 32 से टॉर्च लेके तो आ चुकी हूँ, ठीक है। और एक्चुअली ना मैं बस 32 रखे तो नहीं थे, मैं बस जितनी छुट्टी ले आई हूँ मैं, एंड मैं थोड़ी विलेज में से चोरी करके लाई हूँ टॉर्च को, ठीक है। सो इसलिए अब भाई वैसे एक सेकेंड ऐसा कैसा मंत्री भाई विलेज में से चोरी कर रहा है। मैं ऐसे ही मंत्री हूँ दोस्तों, मुझे पता है आप लोग ऐसा बोलोगे, इसलिए मैंने बोल के बताया आप लोग को, ठीक है। एंड मैं पिकेक्स वापस कर लेती हूँ, थोड़ा वापस। आपको तो पता है कितना बड़ा केव है भाई, ये फिर जाने में डर लग रहा है भाई, अंदर मोह भरे पड़े रहेंगे। एक सेकंड में टॉर्च लगाती हूँ, थोड़ा बहुत तो उजाला। एक सेकंड, ग्रेवल से बना हुआ है क्या पूरा? क्रीपर दिख रहा है मेरे को, एंड मेरे को लग रहा है पूरा ग्रेवल का केव है। नहीं लग भाई, तुम खुद सोच इतना है। और वहाँ पे ये आयरन नहीं, मशरूम है, मुझे आयरन लगा। यहाँ पर टॉर्च तो लगा देती हूँ, थोड़ा इधर उधर देखते हैं। यानी क्रीपर मुझे पे आयरन है, एक ही है भाई। चलो ठीक है, एक से काम चला लेती हूँ। ओके भाई, अच्छा हुआ पानी में नहीं गिरा। और ये इन महाशय ने मुझे देख लिया है और ये अपनी और भी मंडली को यहाँ लेके आने वाले हैं, बट इन भाई सबसे खुद ही नहीं हो जा रहा, खुद ही नहीं आ पा रहे थे, अपनी मंडली को क्या लेके आएंगे। भाई ए भाई, व्हाट इज दिस भाई, आ गया भाई, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ए क्रीपर पानी में कूद गया, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी भाई। फटने वाला था वो, अभी फटने वाला था, अभी फट जाता भाई। एक सेकंड गाइस, मुझे थोड़ा ना ऊपर जाना पड़ेगा, फटने वाला है भाई। तो गाइस चलने बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है इस केव में, मुझे कहीं से बस एक आयरन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है भाई। मुझे फालतू मैंने टॉर्च लगा के वेस्ट कर दी मेरी। हाँ वैसे भी वो मेरी टॉर्च तो थी नहीं, विलेजर्स की थी, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने घर पे। और मुझे मैंने ना अभी थोड़ा देखा है कि बोलते थे मैं टॉर्च लगा गए थे, तब मैंने थोड़ा यूट्यूब पे देखा है कि आयरन कितने में बन जाता है, तो शायद से 26 में हमारा हो जाएगा, और या फिर 26 से ज़्यादा भी चाहिए रहेगा ना, तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ है क्या, यहाँ पे छोटी सी केव है क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं, लोग चलते हैं। सो नहीं बना तो है, बस 5 आयरन पड़े हुए हैं, उनसे काम कर चला लेंगे या फिर हम लोग दूसरा ले लेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं, ठीक है। वरना वो प्लेजर्स मेरी पता नहीं हड्डी पसली एक दो कर ही देंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर पे, भागो। ये देखो इसका प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी पता नहीं किसका घर है, गुंडी का। मैं गुंडी नहीं, ऊपर चलते हैं। अरे बारिश क्या होने लग जाती है यार मेरे वर्ल्ड में, क्या है यार ये, इतना गुस्सा आता है ना बारिश में, लग जाती है मेरे। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। जो एक आयरन है उसको ले लेती हूँ, चलो उसको मैं। भाई अभी तक स्मेल हो रहा, 12 आयरन स्मेल कर, शर्म आनी चाहिए तेरे को, शर्म आ रही है किसी भी। 12 आयरन स्मेल किए पागल भाई, इतनी देर से तो कितना आयरन स्मेल कर सकती होती है लड़की, 12 आयरन को। ये कब तक कितना टाइम लगाने वाला है मुझे पता ही नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक मैं अपनी लेगिंग बना लेती हूँ। ऐसे बन गया, ओके लेगिंग बन चुकी है। एंड अभी मुझे बनाना है हेलमेट, ठीक है। एंड अभी क्या बन जाएगा अपना, बूट्स बन जाएंगे, ठीक है। चेस्ट प्लेट के लिए फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ और एक हाँ केट्स बूट भी बन गया। अभी हम लोग को इतने 3 चीज़ बन गई है, अभी 4 आयरन एंड आई गेस चेस्ट प्लेट बन जाएगा ना भाई। ओके बस एक आयरन कमी पड़ गई बस गाइस, वो भी हो गई, ठीक है। 8
मैं ये बिजली कितनी कड़क रही है, मतलब मेरे स्थल थंडर स्ट्रोम आ गया। थंडर स्ट्रोम व्हाट इज दिस। ठीक है तभी चलो गाइस, एक सेकेंड, अपना बन चुका है आर्मर। ओके गाइस, अपना आर्मर पूरा बन चुका है। ये देखो भाई, हम लोग पूरे आर्मर में कवर हो चुके। ओ माय गॉड भाई, हम लोग को एक केप से इतने सारे आयरन मिल चुके हैं, जिससे हमारा पूरा खंजर, हम लोग पूरा कवर हो चुके हैं आयरन आर्मर में। आप खुद देख सकते हो, और आपको पता है हमने मेहनत से बनाया। ओ माय गॉड गाइस, इतनी खुशी। चलो फाइनली हम लोग पंप, ये बादल कितने गरज रहे हैं। हेलो भाई, ठीक है तो गाइस चलो, कम से कम हमारा आयरन आर्मर तो बन चुका है इस एपिसोड में। तो अभी हम लोग चलो जल्दी से टूल्स वूल्स को भी अपग्रेड कर लेते हैं। ठीक है तो मैं पहले स्टिक बना लेती थोड़े। ओके सो अभी हम लोग को बनाना है एक एक्स। ठीक है, आयरन की एक्स बन चुकी है हमारी। और देखो पिकेक्स तो है हमारे पास, उसकी एचपी थोड़ी, मतलब आप पता, आपको खुद को पता उसकी एचपी कैसी है। तो अभी एक सेकंड, हम लोग शॉर्ट बना लेते थे। ओके शॉर्ट बन चुकी है, अभी हम लोग को चाहिए तीन आयरन। तीन आयरन वो बन चुके हैं, तो हम लोग अब पूरा, देखो पूरा तो बना ही लेंगे। एक पिकेक्स, एक सेकेंड, वो नहीं बनानी, पिकेक्स बनानी। ठीक है एक पिकेक्स और आ गई है, और आयरन तो अब है नहीं। ठीक है वो पांच आयरन है ना मेरे पास, कहाँ गए पांच आयरन थे ना मेरे पास। एक सेकेंड, कहाँ हैं वो, हमने ले लिए थे पांच आयरन गाइस। मुझे बस एक आयरन चाहिए, एक आयरन, पता है क्यों? मुझे शवल बनानी थी आयरन की। अरे यार एक आयरन कम पड़ गया, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी इतनी चीज़ तो अपने पास आ चुकी है गाइस, चलो इसमें खुश हो जाओ। सो अभी हम लोग सारे सामान रख देते हैं, अपनी इन्वेंटरी को पूरी सॉर्ट कर लेते हैं। अभी ये स्टोन की जाए, अब मैं इसकी यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे वुड हम लोग रख देते हैं, एक स्टिक वुड हो गया मेरे पास। ओ माय गॉड वाओ। और अभी हम लोग ये सारी चीज़ें, ये कैरेट भी हम लोग रख देते हैं इसमें। ठीक है 63 हो गए पूरे। और ये अपने टॉर्च भी रख देते हैं, ये ब्रेड तो मैं रखूँगा अपने पास खाने के लिए। और ये पिकेज भी इधर रख दो, और ये भी, एंड एक सेकेंड, ये वाली पिकेज भी टूटने वाली बट रखी। और हाँ ये वो भी वो होने वाली है भाई, हम लोग को काश मेंडिंग मिल जाती है। और पर मैं मेंडिंग की सोच रही हूँ भाई, मुझे अभी मेंडिंग तो नहीं मिल सकती, बट ओके बाद में तो मिलेगी ना कभी ना कभी, तो जब मिलेगी तब हम लोग यूज़ कर लेंगे। और वो ना मैं अपने बो में लगाने वाली हूँ मेंडिंग, अगर हम लोग को बाद में कभी मिली तो। ठीक है सो अभी मैं अपने पूरे इन्वेंट्री सजा देती हूँ अच्छे तरीके से। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने एक्स एक्स आई थी, और ये गाइस तो अपनी जो है इन्वेंट्री पूरी सज चुकी है। सो गाइस अपना घर भी पूरा है, और भाई अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में अपन ने इतना कुछ कर लिया गाइस। तो आप लोग बताओ नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या करें, हम लोग डायमंड की माइनिंग करें, या फिर हम लोग क्या करें, या फिर हम लोग चेरी ग्रोसर बायोम ढूंढें। ठीक है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। सो अभी आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, बस एक लाइक। ठीक है और चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। ठीक है सो मैं मिलती हूँ ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।